Hey guys, what's up? My name is Manoj Patil, you IAB Pro and Mr. India. तो जस्ट एक बात मुझे भी पता चली जिसके बारे में मुझे बात करनी है आप सभी से. हमारे भरत सिंह वालिया भाई जो हमारे एथलीट हैं इस देश के, बहुत ही अच्छा नाम कमाए इंडिया के लिए, बहुत सारे मेडल लाए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. फिटनेस इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं लाइफ में क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए. तो उनके साथ में एक इंसिडेंट हुआ है और इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता हूं आप सभी से कि ये फिटनेस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मुझे समझ में आता नहीं है कि बार बार एथलीट्स को टारगेट क्यों किया जाता है, एथलीट्स को बुरा भला क्यों कहा जाता है. जबकि एक एथलीट, एक बॉडी बिल्डर बहुत हार्डवर्क करता है खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए, उसको टारगेट क्यों किया जाता है. उस एथलीट्स को उसने गए बारे में किसके बारे में सपोर्ट किया था, किसको क्या बोला था, उसको लेके उसके ऊपर खुन्नस क्यों निकाली जाती है, उसके बारे में सब कुछ बारे में बात करेंगे आज हम लोग. तो भरत सिंह वालिया भाई जो हमारे हैं, एक एक्स वाई जेड फेडरेशन में कम्पीट करते थे, उन्होंने एक्स वाई जेड बॉडी बिल्डिंग के फेडरेशन में उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स जीता. उन्होंने बैक टू बैक 2 साल मिस्टर यूनिवर्स में उन्होंने जीता. जीतने के बाद उन्होंने लगा कि मुझे स्विच करना चाहिए फेडरेशन, मेरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मुझे एक अच्छे फेडरेशन में स्विच करना चाहिए. तो उन्होंने सोचा कि मुझे आईएफबीबी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग में स्विच करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को ओलंपिया जाना है, किसी एथलीट का अगर ड्रीम है ओलंपिया, तो उनको आईएफबीबी प्रोफेशनल लीग में खेलना ही पड़ेगा. बिकॉज यू डोंट हैव एनी चॉइस, बिकॉज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, वो आपको इजाजत देती है मिस्टर ओलंपिया खेलने के लिए. ठीक है, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई मुझे यहाँ पे खेलना है, इस कंपटीशन में मुझे खेलना है. तो उसमें क्या हो गया, इन्होंने जब अनाउंस किया तो वहां से जो एक्स वाई जेड फेडरेशन थी, उन्होंने भरत सिंह वालिया भाई का एक रिपोर्ट कार्ड दे दिया, ब्लड रिपोर्ट कार्ड दे दिया, यूरिन कार्ड रिपोर्ट दे दिया कि भाई ने ये लिया. ठीक है, आप अपने आप को क्लेम करते हो कि वहां पे आपका फेडरेशन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करता है, दैट्स अ गुड थिंग, करो आप, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप ये बोलने के बाद कितने सारे एथलीट आपके वहां पे कम्पीट करते नेचुरली, ये हमको दिखाओ सबको. हाँ, अगर चलो ठीक है, आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करते हो, दैट्स अ गुड थिंग. अगर कंपटीशन खत्म होने के बाद अगर आपको लगता है कि बंदे ने कुछ लिया है, तो आपको उसी दिन तुरंत उसकी ब्लड रिपोर्ट या फिर उसकी यूरिन रिपोर्ट निकालनी चाहिए और आपको देखना चाहिए एक्स वाई जेड क्या हुआ है. 2 महीना कम्पीट होने खत्म होने के बाद और दूसरे फेडरेशन में खेलने की बात करने के बाद आप उसका रिपोर्ट निकाल रहे हो, तो ये बात क्या हो जाती है ना, एक एथलीट को कितना टारगेट करते हैं लोग, ये समझ में आता है. सेकेंड थिंग, ये सेम चीज हुई थी हमारे राजेश यादव भैया के साथ. उन्होंने 2017 में कंपटीशन किया था, वहां पे उन्होंने मिस्टर इंडिया जो एक्स वाई जेड फेडरेशन का था उन्होंने कम्पीट किया. कंपटीशन में मैं भी जज था, वहां पे मैंने जज किया उनको. उसके बाद उन्होंने एक अनदर फेडरेशन में कम्पीट किया, उसका नाम है आईएबी प्रोफेशनल लीग. उसके बाद जब कम्पीट करने के 2 साल के बाद उनका ब्लड रिपोर्ट आता है कि राजेश यादव ने ये लिया था, वो लिया था, बोल्डिनोन लिया था, ये लिया. अरे भाई, कौन सा ऐसा ब्लड रिपोर्ट है, जो ऐसा कौन सा टेस्टिंग मशीन है जो बताता है कि बंदे ने कौन सा ड्रग लिया हुआ है? इम्पॉसिबल. आपको कोई भी यूरिन टेस्ट करते हो, ब्लड रिपोर्ट करते हो, तो वहां पे एक ही चीज बता देती है, बंदे ने डोपिंग किया है या कोई भी ऐसा इनहांस ड्रग लिया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में परफॉर्मेंस करने की ताकत बढ़ चुकी है. ये तो चीज होगी चलो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की, एथलीट की. अब इस चीज को फायदा उठा के कई जो हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, जो सो कॉल्ड नाम से चलाते हैं अपनी चीजों को, अपनी जरूरतों को, और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को लूटते हैं, उन्होंने इस चीज में आने का कोई मतलब नहीं था. अब उन्होंने उनकी वीडियो पोस्ट कर दी कि भाई ऐसा चलता है, वैसा चलता है. अरे, आपको अपने कामों में, अपनी चीजों में ध्यान देना चाहिए, आपको लाइफ में ग्रो होने के लिए काम करना चाहिए. ये एक एक एथलीट को पकड़ पकड़ के मनोज पाटिल हो गया, संग्राम चौगुले हो गया, अभी ये हो गया, सिद्धांत जायसवाल हो गया, सबकी लिस्ट निकाल के आप एक एक एथलीट को टारगेट करना चाहते हो, ये चीज गलत है. मुझे लगता है कि ये चीज किसी एथलीट के साथ में हो तो हम लोग को खड़ा रहना चाहिए, सारे एथलीट को खड़ा रहना चाहिए. और जैसे मेरे साथ में हुआ था, जब मैं दिक्कत में था, जब मैं प्रॉब्लम में था, मेरे देश की जनता, मेरे देश के एथलीट मेरे साथ थे, और मैं प्राउडली बोलता हूं कि आई एम इंडिया का एथलीट, और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था. आज भरत सिंह वालिया भाई जो हमारे हैं, वो सेम पोजीशन पे हैं, मेरे पोजीशन पे हैं. मैं खुला सपोर्ट करता हूं भरत सिंह वालिया भाई को. भरत सिंह भाई, अगर ये वीडियो देख रहे हो, मेरा खुला सपोर्ट है आपको, आप टेंशन मत लो. ये ऐसे सो कॉल्ड जो खुद को क्लेम करने वाले जो भी लोग हैं, उनसे डरने की आपको कोई नीड नहीं है भाई.
मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई आपके साथ में है, इनको जो करना है करने दो। एथलीट की पावर नंबर वन पावर होती है, सभी ने देखा है और सब लोग और भी देखेंगे। तो सारे एथलीट्स को, सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बहकावे में मत आओ। बहकावे में आके कोई एथलीट्स को बड़ा बोला आप मत कहो। एथलीट्स की लाइफ है, हम जानते हैं कैसे जीते हैं। एक मिडिल क्लास बॉय एक अच्छा एथलीट बनता है, इंडिया के लिए कम्पीट करता है, हम जानते हैं कितना हार्डवर्क लगता है। तो किसी एथलीट्स के लिए हेट मत दो, किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातें मत सुनो। जो इनके फॉलोअर बहुत ज्यादा है और जो बड़ी बड़ी दुनिया दिखाते हैं, उनको फॉलो करना बंद कर दो। पहले आप उनको फॉलो करना बंद कर दो तो आपकी मेंटेलिटी चेंज होगी। हम जैसे गरीब जो एथलीट्स है ना, जो निकले नीचे से, उनको फॉलो करो, लाइफ में आपको आगे बढ़ने की, और एक मिडिल क्लास फैमिली बॉय भी कुछ अच्छा काम कर सकता है, इसकी आपको प्रेरणा मिलेगी। तो बस यही चीज बोलना चाहता हूँ कि भरत सिंह वालिया भाई, आपके साथ में खुला खुला खड़ा हूँ। आपकी कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत एक एथलीट को नीचे नहीं खींच सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल। जय हिंद। थैंक यू।